हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूब। फ्रेंड्स, टेक ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं टेक ट्यूब। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं SSD के बारे में। अगर आपका भी SSD खराब हो जा रहा है या फिर ये जो है कि SSD में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको कैसे ठीक करना है और ये आपका जो SSD है वो ठीक होगा भी या नहीं, और जो प्रॉब्लम है वो कौन सी और किस प्रकार की प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। सो गाइस, हाय, मैं हूँ संजय और आप देख रहे हैं टेक ट्यूब। हमारे यहाँ पे लैपटॉप, डेस्कटॉप, CCTV कैमरा, डेटा रिकवरी, प्रिंटर्स, मॉनिटर्स और जितने भी छोटे मोटे सॉफ्टवेयर के इश्यूज हैं उनका जो है कि वीडियो हमारे चैनल पे आते रहता है। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो हेल्पफुल लगे, वीडियो काम की लगे तो लाइक करिएगा। तो जैसे कि आप लोग मेरे हाथ में ये देख सकते हैं, मेरे पास ये फॉक्सिन का 128GB का यहाँ पे SSD है और इसमें प्रॉब्लम ये है गाइस कि यहाँ पे अगर मैं या लैपटॉप में या फिर मैं डेस्कटॉप में इसको मैं अगर मैं यहाँ पे जो है कि कनेक्ट करके और मैं इसमें विंडो 10 या फिर विंडो 7 या फिर कोई भी विंडो में इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे विंडो जो इंस्टॉलेशन है यहाँ पे फेल्ड हो जा रहा है। ओके, अगर आपके भी सिस्टम में कुछ इस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है, SSD लगा हो या फिर हार्ड डिस्क लगा हो, तो आप जो है कि अगर विंडो इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो जो है कि हो आपका जो ये SSD है या फिर हार्ड ड्राइव है ये आपका यहाँ पे खराब हो सकता है। तो एक्चुअल में ये मेरा जो खराब है, मैंने इसको डायग्नोस किया है, ये खराब हो चुका है। तो चलिए आज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में बड़ी मतलब एकदम बारीकी से एकदम अच्छी तरह से आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप जो है कि किसी भी SSD या फिर किसी भी हार्ड ड्राइव जब वो खराब हो जाता है तो इसको आप डायग्नोस कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो हार्ड ड्राइव है और ये SSD है ये खराब हो चुका है या फिर नहीं। ऐसा ना हो कि आप जो है कि SSD सही हो और आप उसमें विंडो इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हो, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, ये सब हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे मैं पहले आपको ये बता दूं कि जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास एक ये केसिंग है जिसमें कि आप लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों का हार्ड ड्राइव यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं वाया USB। आप यहाँ पे देख सकते हैं USB से हमारा जो है कि लैपटॉप में यहाँ पे ये कनेक्ट है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि हमने इसको ऑलरेडी यहाँ पे पावर भी दिया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे इसको पावर दिया है और उसके बाद यहाँ पे हमने इसको पावर को कनेक्ट किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर की लाइट यहाँ पे ग्लो हो रही है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो ये SSD है इसको हम लोग यहाँ पे इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो है कि इसको चेक करने वाले हैं, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेना है। एक सेकंड, इसको प्रॉपर जो है कि आपको देख लेना है, इसका जो कनेक्टिंग वाला जो सिस्टम है उसको आपको प्रॉपर देखना है, अदरवाइज आपका जो SSD है यहाँ पे डैमेज भी हो सकता है। तो ये देखिए मेरा SSD जो है यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और लैपटॉप की स्क्रीन पे जाने के बाद आपको क्या प्रोसेस करना है वो ज़रा आप ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज़ अगर आप ध्यान से यहाँ नहीं देखते हैं तो आपका जो प्रोसेस है यहाँ पे कंप्लीट नहीं होने वाला है। आपको राइट क्लिक करना है दिस PC पे, ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दिस PC पे राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मैनेज वाले ऑप्शन में आ जाना है। मैनेज वाला ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे प्रोसेस ले सकता है, तो उसके लिए आप फर्स्ट, फिर उसके बाद आपको आना है डिस्क मैनेजमेंट में। डिस्क मैनेजमेंट में आपको यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट ओपन कर लेना है और यहाँ पे देख सकते हैं हमने जैसे यहाँ पे हार्ड ड्राइव को यहाँ पे कनेक्ट किया तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप और कुछ इस प्रकार का मैसेज यहाँ पे आ चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो हार्ड ड्राइव है अननोन है और यहाँ पे इसका जो पार्टीशन है वो कुछ नहीं है, जैसे कि MBR जो होता है वो मास्टर बूट रिकॉर्ड और GPT मतलब गाइड पार्टीशन टेबल, तो ये जो है कि यहाँ पे इंस्टॉलाइज करने के लिए बोल रहा है। और हमारा जो डिवाइस है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि अपना जो SSD है यहाँ पे अननोन वाला प्रोसेस दिखा रहा है और यहाँ पे नॉट इंस्टॉलाइड वाला सिस्टम आ चुका है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं और देखते हैं हमारा जो हार्ड ड्राइव है या फिर SSD है वो यहाँ पे MBR फॉर्मेट में हो रहा है या फिर नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे इस प्रकार का प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, डाटा एरर साइकिल रिडंडेंसी चेक। तो कुछ इस प्रकार का अगर प्रॉब्लम आपके हार्ड ड्राइव में आ रहा है
और आपका जो हार्ड ड्राइव है वो स्टेबल नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद अगर आपको यहाँ पे न्यू वॉल्यूम का ऑप्शन नहीं आ रहा है और आपका हार्ड ड्राइव यहाँ पे जो है कि SSD जो है यहाँ पे इंस्टॉलाइज आप कर रहे हैं, तो आप GPT में भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। GPT में भी कुछ अगर इस प्रकार का आपका हार्ड ड्राइव या फिर SSD में प्रॉब्लम आ रहा है तो आपका जो ये SSD है वो यहाँ पे पूरी तरह यानी कि 100% यहाँ पे आपका SSD यहाँ पे ख़राब हो चुका है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपका जो SSD है ये यहाँ पे आप रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो इसको आपको ले जाना होगा सर्विस सेंटर। अदरवाइज़ आप कुछ भी कर लीजिए, आपका जो ये हार्ड ड्राइव है यहाँ पे SSD है यहाँ पे आपका ठीक नहीं होने वाला है, तो आपको परेशान होने की कोई बात नहीं, आप इसको सिंपली जो है कि सर्विस सेंटर में ले जाइए और इसको जो है कि वहाँ पे आपको रिप्लेस करके देंगे, ना कि रिपेयर करके। ऑलमोस्ट जो है कि SSD वगैरह जो होती है वो रिप्लेस होके ही मिलती हैं। तो जो है कि इस प्रकार का अगर प्रॉब्लम आ रहा है और विंडो वगैरह आपके सिस्टम में नहीं इंस्टॉल हो रहा है तो आप जो है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और आप इस प्रकार से जो है कि अपने SSD को चेक कर लीजिएगा। अगर SSD में अगर ये फॉर्मेट, अगर किसी किसी में क्या होता है कि यहाँ पे ये सब ओके रहता है और यहाँ पे अगर फॉर्मेट राइट क्लिक करके अगर फॉर्मेट या फिर न्यू वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो भी आप समझ जाइएगा कि आपका यहाँ पे SSD का प्रॉब्लम हो चुका है। तो जो है कि इस प्रकार से आपको सर्विस सेंटर जाना है और रिप्लेस करवा लेना है। और जो है कि वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्प में हेल्प मिली हो आपको, तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।